हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे MPCE 022, जिस कोर्स का नाम है असेसमेंट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सबसे पहले इस यूनिट वन में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट क्या होती है और इसमें किस तरह से असेसमेंट की जाती है। इंट्रोडक्शन में ये बात कर रहे हैं कि असेसमेंट का एक मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आप इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर रहे हो किसी की एबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बिलीफ, तो उसको हम असेसमेंट कहते हैं, जो एक काउंसलर का काम होता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे असेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों है, तो वो उसको असेसमेंट बोलते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट काउंसलिंग में की जाती है, जिसमें काउंसलर अलग अलग तरह की असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ करता है, जो मोस्टली स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती हैं, जिनको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। और वो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लाइंट के बिहेवियर को असेस करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं, जैसे केस स्टडी है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, इन चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। अब आके हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स और सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्विंग आर बिहेवियर। तो कोई एक स्टैंडर्ड या एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज़ करना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि वो हर सिचुएशन में वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है, उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, एक सिस्टम से फॉलो किया जा रहा है, और हमारे बिहेवियर को असेस करने के लिए फॉलो किया जा रहा है, उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाता है, किसी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। जैसा मतलब, जैसे अगर कोई क्लाइंट आया है, उसने अपने कुछ सिम्टम्स बताए हैं या अपनी प्रॉब्लम बताई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बेस पे हमें असेस करना होता है कि हम कौन सा वाला असेसमेंट टूल यूज़ करेंगे उसको असेस करने के लिए। तो जो असेसमेंट होती है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होनी चाहिए, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल अलग अलग तरह के असेसमेंट मेथड्स होते हैं। फॉर्मल वो होता है जिसमें जो स्टैंडर्डाइज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल होता है जो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी कम होती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं, क्वालिटेटिव में कंटेंट का जो क्वालिटी होती है वो देखी जाती है। असेसमेंट के साथ साथ कोलेटरल इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है, जैसे उनकी पर्सनल डेटा, ऑक्यूपेशनल डेटा, मेडिकल हिस्ट्री, पुराने रिकॉर्ड्स, उनसे इंटरव्यू लेके उनके पेरेंट्स के, जो भी क्लाइंट है, अगर उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, स्पाउस के, टीचर्स के, या पुराना कोई थेरेपिस्ट रहा है या कोई फिजिशियन है जिससे वो मिलता था या उसको पहले जो देखता था, तो इस तरीके से कोलेटरल डेटा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को असेस करने का। हम क्यों करते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, क्यों गैदर करते हैं? क्योंकि ये हमें आगे काउंसलिंग में हेल्प करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हम असेसमेंट करते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन का, इसी से हम आगे डिसाइड कर पाते हैं कि किस तरह की काउंसलिंग ट्रीटमेंट हमें क्लाइंट को देनी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। मेलोनी एंड वॉट डिस्क्राइब असेसमेंट एज फॉलोज। तो डिस्क्राइब किया हुआ असेसमेंट को टिपिकली डज नॉट इन्वॉल्व डिफाइंड प्रोसीजर्स। मतलब इसमें कुछ प्रॉपर डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। फ्रीक्वेंटली यूजेस टेस्ट यूज करे जाते हैं इसमें फ्रीक्वेंटली। कभी पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, कभी एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एट्रीब्यूट जो है उसको असेस कर रहे हो। कॉन्ट्रीब्यूट टू सम डिसीजन प्रोसेस टू सम प्रॉब्लम, ऑफन बाय रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम डाउन इंटू स्मॉलर पीसेस। तो प्रॉब्लम को रीडिफाइन करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। रिक्वायर्स द एग्जामिनर टू कंसीडर, इवेलुएट, इंटीग्रेट द डाटा। जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको इवेलुएट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स दैट कैन बी इवेलुएटेड सोलली ऑन साइकोमेट्रिक ग्राउंड्स। तो जो भी हमें रिजल्ट मिलता है असेसमेंट के बेस पे, उसको इवेलुएट करना होता है। इज़ लेस रूटीन, इनफ्लेक्सिबल एंड मोर इंडिविजुअलाइज्ड। रूटीनली इतना ज़्यादा नहीं हो पाती है काउंसलिंग। रूटीन मतलब एकदम रूटीनली सेम चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें कभी कभी अलग अलग चीज़ें भी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। इंडिविजुअलाइज्ड, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फ़र्क आ जाता है। द पॉइंट ऑफ असेसमेंट इज़ ऑफन डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन। तो हम किसी की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, और वो कौन सी
क्लासिफिकेशन में कौन सी कैटेगरी में वो प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम असेसमेंट करते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड भी हो सकती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती है। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब है कि आपका एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बीच में कई बार आपको असेसमेंट करनी पड़ती है, टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं और उसको यूज़ करते हुए आगे आप अपनी थेरेपी कंटिन्यू करते हो। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब है ये कंक्लूजन भी होता है एक तरह का, जो आपको कंक्लूड करके बता देता है कि इस तरह से इसको थेरेपी को आगे लेके जाना है, ऐसे आगे प्रोसीड करना है। तो ये प्रोसेस भी है और ये प्रोडक्ट भी है। पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट से हमें इंसाइट मिलता है, क्लाइंट को समझने में हेल्प मिलती है, हेल्पिंग देम टू नो व्हाट दे कैन डू एंड कैन नॉट डू। क्लाइंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स पता चलती है। अब यहाँ पे क्लाइंट या स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वो आप समझ लो क्लाइंट की ही बात कर रहा है। तो डेटा के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुई है, कॉजल फैक्टर्स क्या थे, बाकी जो फैमिली बैकग्राउंड वगैरह है वो सब पता चल जाता है। टू हेल्प इन करियर प्लानिंग एजुकेशन। करियर प्लानिंग में जैसे अगर आप एटीट्यूड, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हो कहीं पे, तो वो आपकी करियर प्लानिंग के लिए करा जाता है। आपके एप्टीट्यूड को असेस किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है करियर प्लानिंग के लिए। वहाँ पे भी असेसमेंट टूल्स यूज़ आते हैं। फिर प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि आप फ्यूचर में कैसे बिहेव करोगे, तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल्स को असेस करके एक तरीके से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उसमें किस तरह परफॉर्म कर पाओगे। टू इवेलुएट द आउटकम ऑफ काउंसलिंग, के जो काउंसलिंग करी जाएगी उसका क्या आउटकम होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमें। अगर कोई डायग्नोस की गई है प्रॉब्लम तो उसका ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ों में हेल्प करती है असेसमेंट। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक, मतलब सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए असेसमेंट से। इट शुड इन्वॉल्व मल्टीपल मेथड्स, कॉम्बिनेशन टेक्निक्स यूज़ करके, मल्टीपल मेथड्स यूज़ करके, जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस क्लाइंट को समझने के लिए, और जो भी आप चाहते हो असेस करना, व्हाट टू असेस, व्हेन टू असेस, इन विच स्टेट ऑफ असेसिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे हमने ऊपर देखा कोलेटरल इन्फॉर्मेशन जो होती है बैकग्राउंड की, या उनके पेरेंट्स की, स्पाउस की। इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, स्टूडेंट में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन स्कूल ड्यू टू लिमिटेड एकेडमिक प्रिपरेशन, हाउ एवर इट मे नॉट बी द ओनली फैक्टर, द अदर फैक्टर सच एज सेल्फ एस्टीम विच माइट नॉट बी एविडेंट बट कुड इन्फ्लुएंस द एकेडमिक। तो जैसे होलिस्टिक असेसमेंट से आपको यह पता चल जाएगा कि सिर्फ प्रिपेयर ना होने की वजह से एंग्जाइटी नहीं है उसको, हो सकता है सेल्फ एस्टीम की भी कमी है। तो असेसमेंट से हमें ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए जो सामने नहीं नज़र आती हैं, जो छुपी हुई होती हैं, जिनको लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। द काउंसलर शुड बी अलर्ट टू बिहेवियर विच इज़ ऑब्जर्वेबल थ्रू नॉन वर्बल क्यूज़। तो काउंसलर को ना नॉन वर्बल क्यूज़ पे भी ध्यान देना है, जो वो बोल रहा है उसके अलावा उसकी बॉडी पॉस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें कैसी है। तो होलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट आती है, कल्चरल बैकग्राउंड और सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो किस कल्चरल बैकग्राउंड से वो आता है, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी करेक्टर नॉर्मल मानी जाती है, एबनॉर्मल मानी जाती है, कि उसके कल्चर में क्या वो चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं या एबनॉर्मल मानी जाती हैं, क्या कॉम्पिटिटिवनेस उसके कल्चर में नॉर्मल माना जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए होलिस्टिक असेसमेंट करनी ज़रूरी है। असेसमेंट ऑनगोइंग होनी चाहिए, ये स्टेप वाइज नहीं होती है कि आपने एक बार करके ख़त्म कर दिया, ये ऑनगोइंग लगातार होती है। इससे हमें पहले की प्रॉब्लम और अभी प्रेजेंट की जो फंक्शनिंग है उसमें डिफरेंस पता चलता है, कंपैरिजन पता चलता है। इससे हम कॉन्सेप्चुलाइज कर पाते हैं इंडिविजुअल को कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें और कलेक्ट करनी है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डेटा होता है ना कि हम हर एक टाइम पीरियड के बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही जो असेसमेंट है वो ऑनगोइंग ही होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार ही आपने असेसमेंट लेके उसको छोड़ दिया, दोबारा असेसमेंट आप लास्ट में लोगे, ऐसा नहीं है। रेगुलर असेसमेंट करनी ज़रूरी होती है। असेसमेंट बैलेंस होनी चाहिए। असेसमेंट मेक यूज़ ऑफ नॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन एज वेल एज बैलेंस का मतलब है कि नॉर्मल क्या चीज़ है
और वो उस इंडिविजुअल की क्या चीज़ है, उसके जो ट्रेड्स हैं या उसके जो कंस्ट्रक्ट हैं, उसका जो आपको लग रहा है जो डेटा मिला है वो भी असेस करना है, साथ में उसको नॉर्मल डेटा से, स्टैंडर्ड डेटा से भी कंपेयर करना है। तो अगर आप ऐसे किसी के आईक्यू की बात कर रहे हो, आपको इंडिविजुअलाइज स्कोर आता है किसी के आईक्यू का कि 85 आए हैं, लेकिन नॉर्मल स्कोर क्या है, स्टैंडर्ड स्कोर क्या है, वो भी आपको देखना है। दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है कि उस पर्टिकुलर कल्चर में, उस पर्टिकुलर सोशियो कॉन्टेक्स्ट में, या उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों का नॉर्मल कंस्ट्रक्ट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसके बेस पे आप अपने क्लाइंट को असेस करते हो। असेसमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक्यूरेट होगी तभी आगे ट्रीटमेंट भी एक्यूरेट होगी। तो काउंसलर के पास डेटा इंटरप्रेट करने के लिए स्किल्स होने चाहिए। काउंसलर शुड कीप इन माइंड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स ऑफ ऑल टूल्स में भी ऑफ ऑल टूल्स में नॉट बी 100% एक्यूरेट, मतलब एरर किसी भी टूल में हो सकती है। आप कुछ भी, जो भी आप असेसमेंट के लिए टूल यूज़ कर रहे हो उसमें एरर्स हो सकती हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होता है। असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, तो जो भी आपने असेसमेंट करी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट एक डेवलप करना जो होता है ना क्लाइंट के, क्लाइंट और काउंसलर के आपस में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपने ट्रीटमेंट आगे सक्सेसफुल करनी है। इसकी प्रोसेस क्या है पूरा, पहले गोल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, टूल्स और टेक्निक्स आइडेंटिफाई की जाती हैं। ये अगर आपको ध्यान हो तो ये सारा प्रोसेस हमने 11th क्लास के चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो डेटा कलेक्शन किया जाता है, फिर असेसमेंट डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है, और डेटा को डिफरेंट सोर्सेस से भी इंटरप्रेट किया जाता है, फॉर्मुलेटिंग असेसमेंट इंफॉर्मेशन एंड रीफॉर्मुलेटिंग गोल्स। तो ये स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, इनको यहाँ समझाया हुआ है कि पहला स्टेप क्या होता है कि पहले तो असेसमेंट के लिए पहले डिफाइन करो प्रॉब्लम है क्या, गोल्स क्या है काउंसलिंग के, फिर किस चीज़ से आप डेटा कलेक्ट करोगे। बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें से हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे। फिर डेटा कलेक्शन शुरू होती है, डेटा को इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। दिस रिजल्ट इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड सिचुएशन। तो जैसे इंटरप्रिटेशन शुरू होती है समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि क्लाइंट की क्या सिचुएशन है, और क्लाइंट की और उसकी आसपास के लोगों की जो कोलेक्टेड डेटा है वो भी कलेक्ट किया जाता है अलग अलग सोर्सेज से। क्लाइंट सिर्फ एक सोर्स है, आप डिफरेंट सोर्सेज से भी डेटा लेते हो, अपने डेटा को इंटीग्रेट करते हो। होलिस्टिक बनाने के लिए आपको सारे सोर्सेज का डेटा लेना पड़ता है, फिर उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, कंक्लूजन दी जाती है, रिकमेंडेशन दी जाती है, और उसके बाद अपने गोल्स को रीफॉर्मुलेट किया जाता है। आगे है मेथड्स ऑफ असेसमेंट, इसमें देखते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं जिनको हम असेसमेंट टूल्स भी बोलते हैं। जैसे इंटरव्यू मेथड है, अब इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि डिफरेंट वो यूज़ करे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू स्केड्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, और ये लिखा हुआ है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड असेसमेंट टूल है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमनली। आप वैसे भी काउंसलर के पास जाते हैं जैसे, तो शुरुआत हमेशा इंटरव्यू से ही होती है, आपके बारे में पूछना शुरू किया जाता है, वो इंटरव्यू से ही शुरुआत होती है। सो असेसर मस्ट बी अप्रोप्रिएटली ट्रेंड कि इंटरव्यू कैसे शुरू करना है, कैसे बात करनी है, किस तरह पूछना है, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। वर्बल एंड फेस टू फेस, व्हाट डज द क्लाइंट टेल यू, क्या वो बोल रहा है, हाउ मच इन्फॉर्मेशन आर दे विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड, कितना वो विलिंग है आपको अपने बारे में बताने के लिए। पैरा वर्बल मतलब वो किस तरीके से बोल रहा है, बोलते टाइम उसकी बोलने की स्पीड, उसकी टोन, वॉल्यूम, इन्फ्लेक्शन, किस तरीके से बात कर रहा है वो, उसकी लैंग्वेज की कितनी कमांड है, अपने वर्ड्स किस तरीके से चूज करता है वो बोलते टाइम। नॉन वर्बल क्यूज भी ध्यान में देने हैं। फिर सिचुएशन मतलब क्या क्लाइंट बहुत कॉपरेटिव है, क्या वो खुद आया है काउंसलिंग के लिए, आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप क्या जानने के लिए, क्या पर्पस है इंटरव्यू का। इसमें जो डिफरेंट स्केड्यूल्स यूज होते हैं, कि स्ट्रक्चर एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि वो पहले से ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें, और इंटरव्यूअर्स जो हैं वो ट्रेंड है, उन्हें पता है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछने हैं, एक स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉलो किया जाता है। कभी कभी उसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड आंसर्स होते हैं, येस या नो वाले, या डेफिनेटली, समवॉट, नॉट एट ऑल, इस टाइप से। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो है उसमें क्लोज्ड क्वेश्चंस ही होते हैं ऑफनली, जैसे मतलब इनके आंसर
शॉर्ट में तो पहले से ही चूज करने हो आपको। और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि इन्होंने कि व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम बिगिन, तो ये क्वेश्चन मतलब आपको जस्ट एक डायरेक्ट डेट या टाइम पूछ रहा है। व्हाट वाज देयर एनी पर्टिकुलर स्ट्रेसर गोइंग ऑन एट दैट टाइम, कुछ और भी स्ट्रेस था क्या माइंड में? कैन यू टेल अबाउट हाउ योर प्रॉब्लम स्टार्टेड? तो क्लोज इंटरव्यूज आर बेटर सूटेड फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो कि आपको पूछना क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है कि क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं पहले से, जो इंटरव्यूअर होता है, जो काउंसलर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो अपनी मर्जी से जो टॉपिक चाहे वो शुरू कर सकता है, क्वेश्चन कोई भी टॉपिक का हो, कैसे पहले क्वेश्चन पूछना है। ओपन क्वेश्चंस होते हैं, इलैबोरेटिव होते हैं, उसमें आपको इलैबोरेट करके बताना होता है। जैसे एग्जांपल है, व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ व्हेन दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड, जब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो क्या हो रहा था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा वेग है क्वेश्चन, ओपन है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। हाउ डिड यू फील, हाउ डिड ऑल दिस स्टार्ट, मतलब आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो। इंटरव्यू मेथड के क्या फंक्शन है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपको अपने बारे में क्लाइंट, एक्सप्लोरेशन कर पाता है बातचीत के थ्रू सारी चीज़ों के बारे में, बहुत फ्लेक्सिबल टेक्निक है। सेकंड जो टूल है वो ऑब्जर्वेशन मेथड है डाटा कलेक्शन का, जिसमें आपको देख के ऑब्जर्व करना होता है क्लाइंट के बिहेवियर को, बिना मैनिपुलेट किए या बिना कंट्रोल किए आप बहुत ध्यान से एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो और डिस्कस करते हो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है। तो सेलेक्ट करना कि क्या चीज़ आपने करना है ऑब्जर्व, उसको रिकॉर्ड करना, या तो लिख के या आप ऑडियो वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो। उसकी कोडिंग करना बिहेवियर की, कि कौन सा बिहेवियर बार बार आया, कौन सा कम आया, कितनी बार कौन सा बिहेवियर आया, ये सारी चीज़ें करते हैं जिसे हम बाद में एनालाइज करते हैं। जैसे डू दे मेक एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, क्या वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा था, वो कितने पास बैठा था, इस टाइप की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, नेचुरलिस्टिक, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेटिव। नेचुरलिस्टिक मतलब आप क्लाइंट की नेचुरल सराउंडिंग्स में जाके उसे ऑब्जर्व करोगे, नेचुरली जो वो अपने रेगुलर जहाँ पे वो जाता है, रेगुलर जो उसका रूटीन है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है, अलाउ कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करके करा जाता है। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स क्या हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, और आप इसको रिपीट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि एक बार में ऑब्जर्वेशन रिलायबल नहीं है, तो ये चीज़ रिपीट करी जा सकती है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है, द गिव्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द सिचुएशन। अनस्ट्रक्चर्ड में मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे बिहेवियर हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप एक इंसाइडर की तरह ऑब्जर्व करते हो, आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हो, और उसके बाद एज अ मेंबर आप उस ग्रुप को ऑब्जर्व करते हो। फिर केस स्टडी मेथड है, जो इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन की, जब आप डिटेल में किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हो। और काफ़ी सारे क्लिनिकल केसेस होते हैं जिसमें केस स्टडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो डेटा होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है उस टाइम पे। अब इसमें हम एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, डायरी, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब एक ही मेथड के अंदर हम इतने सारे टूल्स यूज़ कर देते हैं। तो ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ये क्लिनिकल मेडिसिन में ओरिजिनेट हुआ था, केस हिस्ट्री, जब यहाँ वहाँ पे हम केस हिस्ट्री बोलते हैं इसको, जो पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं किसी की, बायोग्राफिकल हिस्ट्री लेते हैं किसी पेशेंट की। इसमें ऑब्जर्व भी किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाता है केस हिस्ट्री को, तो मतलब एक तरीके से इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है क्लाइंट की। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। अभी तक हम बात कर रहे थे कि असेसमेंट कैसे होती है, अब टेस्टिंग का क्या मतलब है। तो टेस्टिंग में क्या किया जाता है, जो कंस्ट्रक्ट होते हैं साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जैसे कि एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये सब कंस्ट्रक्ट हैं, जो कॉग्निटिव होते हैं, इमोशनल कंस्ट्रक्ट होते हैं, उन सबको असेस करने के लिए ही टेस्टिंग करी जाती है। द टेक्निकल टर्म फॉर साइंस बिहाइंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक का मतलब हो गया जब हम किसी की साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं। सो स्टैटिस्टिकल टेबल से कंपेयर किया जाता है, रिजल्ट को इवेलुएट किया जाता है देखने के लिए कि वो नॉर्म से कितना अलग है, नॉर्म का मतलब नॉर्मल एवरेज से कितना दूर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट इज करेक्टराइज बाय स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जैसे मैंने बोला था साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, ये भी एक तरह की असेसमेंट ही कर रहे हो आप, पर इसमें आप टेस्ट का यूज़ कर रहे हो।
तो स्टैंडर्डाइज होगा, स्कोरिंग होगी, इंटरप्रिटेशन होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर अनऑब्जर्व कंस्ट्रक्ट, तो जो लेटेंट वेरिएबल, जो दिखती नहीं है चीज़ें, जो हमारा एटीट्यूड है, जो सामने नजर नहीं आ रहा, छुपा हुआ है, जो हमारा कोवर्ट बिहेवियर है, जो हमारी थिंकिंग है, हमारी फीलिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को असेस करने के लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? तो पहले तो ये कह रहे हैं जो चीज़ें डायरेक्टली नहीं मेजर करी जा सकती हैं उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज टेस्ट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल पर्सनैलिटी, टेस्ट ऑफ एबिलिटी, इंटेलिजेंस। तो अलग अलग चीज़ों का टेस्ट लेते हो तभी तो आप उसको होलिस्टिकली असेस कर सकते हो। तो ये टेस्ट आपकी हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में, कि आप एक क्लाइंट की अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हो, जिसमें से एक तरीका है आप उसका टेस्ट लेते हो। तो असेसमेंट का एक तरीका है साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना। तो असेसमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, टेस्ट एक नैरोअर टर्म है। टेस्ट में हम सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हैं, असेसमेंट में हम ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, हर तरीके की मेथड की बात कर रहे हैं। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस टेक्निक, जैसे इनफॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है। टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जिसमें एक प्रॉपर टेस्ट यूज़ किया जाता है जो आपके करेक्टरिस्टिक को मेजर करता है। प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजली ऑल्सो इंक्लूड इंटरव्यू, डेमोग्राफिक, मेडिकल, पर्सनल हिस्ट्री। तो मतलब असेसमेंट में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन टेस्टिंग में सिर्फ एक ही टेस्ट आता है, या तो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जो आप कर रहे हो, या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जिसका यूज़ आप कर रहे हो। तो जो टेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, जो आपको फाइनली असेसमेंट में भी हेल्प करता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। इसमें ये एक बिहेवियर के ऊपर फोकस करके करता है, जैसे अगर आपको सिर्फ इंटेलिजेंस चाहिए तो सिर्फ आईक्यू टेस्ट लोगे, सिर्फ आपको पर्सनालिटी टेस्ट करनी है तो आप सिर्फ पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर का टेस्ट लोगे। इन्फॉर्मेशन बिहेवियर के बारे में जो कलेक्ट होती है ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि आप होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन लेते हो, अलग अलग सोर्सेज से लेते हो। इन्फॉर्मेशन और जो मिलती है ये कम एक्यूरेट होती है क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट के बेस पे होती है और उसी क्लाइंट से ली जाती है। असेसमेंट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा मेथड यूज़ करना जिससे हमें डेटा कलेक्ट करने को मिले, किसके बारे में? लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और टेस्ट में इट इज़ अ टास्क अपॉन विच पीपल आर आस्ड टू ट्राई देयर बेस्ट। तो टेस्ट क्या होता है? कोई टास्क होता है जिसमें आपको अपना बेस्ट करना होता है, आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है। असेसमेंट प्रोसेस कंबाइंस एंड इवेलुएट ऑल द इन्फॉर्मेशन गैदर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कंबाइन करके असेसमेंट होती है। टेस्ट मतलब सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में। तो मैं आपको अगर इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो आपके स्कूल में जैसे अलग अलग टाइप की असेसमेंट्स होती हैं पूरे साल। एक होती है करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर आपके मिड टर्म्स होते हैं, फिर आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, फिर बोर्ड्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मिला दें तो ये तो हो गया असेसमेंट। लेकिन अगर हम इसमें से सिर्फ एक चीज़ उठा लें, यूनिट टेस्ट, तो वो हो गया टेस्ट। तो एक तरह से ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है जो इसी का एक छोटा सा पार्ट है। पर्पस क्या होता है? पर्पस तो होता है डेटा कलेक्ट करना। यहाँ बताया हुआ है कि जो बच्चों का जो असेसमेंट होता है वो किस में होता है? वो होता है एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, यूनिट टेस्ट वगैरह, एबिलिटी चेक करने के लिए, इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, या स्कूल में प्लेसमेंट वगैरह के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी को असेस करने के लिए, तो वो होता है। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए किए जाते हैं। और इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट आर फॉर्मलाइज्ड मेजर ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। मतलब जो भी मेंटल फंक्शनिंग है हमारी उसको मेजर करने के लिए फॉर्मलाइज करे गए हैं जो टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। अच्छा टेस्ट जो होता है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो एक चीज़ है कि वो टेस्ट वही मेजर करे जिसके लिए वो बना है। फॉर एग्जाम्पल अ टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी डज इन फैक्ट मेजर मेंटल एबिलिटी, नॉट सम अदर करेक्टरिस्टिक्स। तो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है तो वो हमारी क्रिएटिव एबिलिटी चेक करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो मेंटल एबिलिटी ही टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर कंसिस्टेंटली और रिलायबली।
तो रिलायबली का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का, कि अगर कोई पर्सन दोबारा वो टेस्ट लेता है तो उसको सिमिलर स्कोर आना चाहिए। जैसे सपोज आपने किसी वेइंग मशीन में अपना वेट मेजर करा, ठीक है, आप वेट मेजर कर रहे हो, आज आपने सुबह करा, आपका वेट अराउंड 67 कुछ आया, ठीक है। अब सपोज आप शाम को करते हो और उसमें वेट सडनली आपका 77 आ जाता है, तो क्या वो वेइंग मशीन रिलायबल है? नहीं है। स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 67 ऐसे हो सकती है, वेरिएशन सिमिलर होने चाहिए, लेकिन तो यही रिलायबिलिटी होती है। द टेस्ट इज पर्पस रेलेवेंट, जिस पर्पस के लिए वो बना हुआ है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। स्पेसिफिक टू, मतलब जो उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए वो स्पेसिफिक टू वो पर्पस होने चाहिए जिसके लिए वो टेस्ट बना है। बाय यूजिंग द टेस्ट मोर इफेक्टिव डिसीजंस कैन बी मेड, तो टेस्ट लेने से हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरेस्ट इन्वेंट्री, अब ये इन्वेंट्री वर्ड आपको जहाँ पे भी मिलेगा, इन्वेंट्री का मतलब है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो उस टेस्ट में है। तो जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, जहाँ से आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, वो आपको गाइड करती है क्लाइंट को अपने करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। देन अ गुड टेस्ट इज रिलायबल एंड वैलिड एंड हैज़ गुड नॉर्म्स। रिलायबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि सिमिलर स्कोर्स आने चाहिए अगर दोबारा करा जाए तो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टेस्ट रिजल्ट में। वैलिडिटी क्या होती है, कि आपकी जो चीज़ मेजर करने के लिए वो टेस्ट बना गया है वही मेजर करे, अगर वो आई क्यू के लिए है तो वो ई क्यू नहीं मेजर करना चाहिए, वो वैलिडिटी हो गई। नॉर्म्स क्या होता है, कि उसको एक एवरेज स्टैंडर्ड स्कोर पता होना चाहिए कि उस टेस्ट का क्या है। जैसे अगर सपोज आपको पता है कि आपकी एज में एक एवरेज जो वेट होता है वो अराउंड 65 होता है, तो आपको ये पता रहेगा ना कि अगर आपका 67 है तो वो ज़्यादा है उससे एवरेज से, या अगर आपका 60 है तो वो कम है एवरेज से, तो वो नॉर्म है, ये नॉर्म है 65। ऐसे ही जो टेस्ट आप यूज़ कर रहे हो उसका नॉर्म पता होना चाहिए, कि उसके नॉर्मेटिव सैंपल जो या फिर जो एवरेज सैंपल है उसका क्या रिजल्ट आता है, और हमारा उससे कम है या ज़्यादा है, तभी तो पता चलेगा कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो दूसरों से बेटर है या पुअर है। तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मतलब उसके सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर होने चाहिए उसको कंडक्ट करने के। अलग अलग तरीके से हर जगह कंडक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी काउंसलर के पास जाओ, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और एक गुड टेस्ट में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉपर टेस्ट यूज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की होती है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 100% एक्यूरेट नहीं होते। इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, मतलब सच एज द करेक्ट यूज ऑफ द कट ऑफ स्कोर, जो भी स्कोर्स आ रहे हैं उनका सही यूज़ किया जाए, एक्यूरेट स्कोरिंग की जाए, नॉर्म्स का सही यूज़ किया जाए, और आपको फीडबैक मिले आपके टेस्ट स्कोर का। तो कौन कौन से टेस्ट हमने सुने हैं अभी तक, जैसे हमने आईक्यू टेस्ट सुने हैं बहुत सारे, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है, वेस्टलर अडल्ट इंटेलिवो जो बहुत फेमस है, WAIS जो आज के टाइम पे बहुत यूज़ होता है, भाटियाज बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये सारे क्या है, ये आपकी आईक्यू के लिए है। एप्टीट्यूड के लिए बहुत कॉमन टेस्ट है, जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। DBDA मीन्स डिफरेंशियल डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज, डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटी। बैटरी वर्ड जहाँ आ रहा है, मतलब वो बहुत सारे उसमें टेस्ट हैं और वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट को बैटरी कहते हैं। एटीट्यूड टेस्ट में जैसे आपने देखा होगा कि थर्स्टन स्केल या लाइकर्ट स्केल का यूज़ होता है ना, जिसमें हमें रेटिंग देनी होती है, वेरी अनलाइकली टू लाइकली टू वेरी लाइकली, ऐसे करके जो हमें रेटिंग देते हैं जो हम। फिर टेस्ट ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जिससे आपकी अचीवमेंट को मेजर किया जा सकता है, आपने कितनी नॉलेज अचीव करी है, कितने स्किल्स अचीव करे हैं। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आपकी न्यूरो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए होते हैं। तो दे आर टिपिकली यूज टू असेस इम्पेयरमेंट आफ्टर इंजरी, जैसे किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसके न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शनिंग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे EPQ आइजेंग्स पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर है, या रेटिंग स्केल जो यूज़ होते हैं रेटिंग वगैरह देने के लिए। तो रेटिंग स्केल या सेल्फ रिपोर्ट मेजर किसे कहते हैं, जहाँ पे हम खुद अपने बारे में रिपोर्ट करते हैं, अपने बारे में खुद बताते हैं, उनको सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स कहते हैं। तो रेटिंग स्केल्स या सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं जैसे MMPI, MCMI, ये सारे हमने ऑलमोस्ट पहले काफ़ी सारे उसमें पढ़े हुए हैं बुक्स में, और नियोपाई एक है, 16 PF है।
प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जो जिसमें प्रोजेक्शंस दिखाई जाती हैं, इमेजेस दिखाई जाती हैं जो बहुत एम्बिगुअस होती हैं, जैसे TAT टेस्ट हो गया, उसमें आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है, हाउस ट्री पर्सन में आपको ये तीन चीज़ें ड्रॉ करनी होती है, जिस आपकी ड्राइंग के बेसिस में आपको असेस किया जाता है। ये बेसिकली अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स के लिए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट होते हैं जिसमें रेटिंग स्केल या फ्री रिस्पॉन्सेज का यूज़ होता है। तो ऑब्जर्वेशन करके, जैसे ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया जाता है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर आर ऑल्सो यूज इन रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी रिलेशन बिटवीन इंट्रा साइकिक वेरिएबल एंड स्पेसिफिक टारगेट। तो ऑब्जर्वेशंस का जहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, या आप जो रिस्पॉन्सेस करते हो उसका, तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के टेस्ट यूज़ करते हैं। यूनिट यहाँ ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।